जो ब्लड 350 का बेस वाला वेरिएंट है ना, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें देखने के लिए मिल जाती है। बट थोड़ा बहुत जो कलर है, ABS हो गया, उसका डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। मगर अगर आपका बजट जो है इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है कि भाई 40 से 50 हज़ार आप चाहते हो कि थोड़े बच जाए, तो ये वाला मॉडल आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको इंजन सेम मिलने वाला है, काफी हद तक चीजें जो सेम ही मिलने वाली है इसके अंदर भी। भाई हाल ही में मैंने ब्लड 350 स्टैंडर्ड है ना, इसकी वीडियो बनाई थी जो आप लोग को पसंद भी आई थी। मगर आप लोग की डिमांड थी कि भाई हमको बेस मॉडल की वीडियो भी चाहिए, तो मैं आज आपके लिए बेस मॉडल की वीडियो भी लेकर आ गया हूँ। सामने जो बाइक देख रहे हो ना, ये है बुलेट 350 का बेस मॉडल। इसके अंदर आपको दो कलर देखने के लिए मिल जाते हैं, एक मिल जाता है मिलिट्री रेड और दूसरा मिलता है मिलिट्री ब्लैक। जो सामने आप कलर देख रहे हो ना, ये इसका एक मिलिट्री ब्लैक कलर है। वारंटी इसमें भाई आपको सेम ही मिलने वाली है, मगर फिर भी जो मिडिल वाला वेरियंट है, बेस वाला वेरियंट है ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आते हैं। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। सामने से बात करें बाइक में, सबसे पहले आपके यहाँ पर भी जो बुलेट 350 स्टैंडर्ड वेरियंट है ना मिडिल वाला, उसके अंदर आपको पायलटिंग वाले लैम्प मिलते हैं। जो बेस वेरियंट है उसके अंदर भी आपको पायलटिंग के लैम्प देखने के लिए मिल जाएंगे। क्रोम की से मिल जाती है सराउंडिंग, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का जो लोगो लगा रखा है और ये रिफ्लेक्टर हेलोजन सेटअप में आपको इसके हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएगी। जो सस्पेंशन है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है 41 mm के और 130 mm का। इसमें आपको ट्रैवल भी देखने के लिए मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर यहाँ पर है वाइब्री के, ब्रेक के कैलिपर्स, 300 mm की डिस्क मिल जाएगी इसके अंदर। जो टायर है ना, टायर प्रोफाइल चार्ज आपको 100/90/19 का आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जो टायर है ना, वो आपको सीएट कंपनी के देखने के लिए मिलते हैं। ये ट्यूब टायर है, प्लस जो इसका रिम है ना, स्पोक वाला है, मगर इसके अंदर आपको थोड़ा ब्लैक के जो टचेस है ना, वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जो स्टैंडर्ड मिडिल वाला वेरियंट है, उसमें आपको क्रोम मिलता है। सामने से बात करें मडगार्ड की ना, भाई मडगार्ड आपको जो है फिर से लोहे का देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर यहाँ पे आपको क्रोम के सेटअप में देखने के लिए मिल जाएंगे पीछे से, और आगे जो है रिफ्लेक्टर वाला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो बीच में स्पेस मिल जाता है अपना नंबर प्लेट लगाने के लिए, यहाँ पर मिल जाएंगे सिल्वर कलर के लीवर। जो ब्रेक वाला जो क्लच है, दोनों आपको सिल्वर में देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर ना आपको एक USB पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, अपने मोबाइल फोन का आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। हैंडल की बात करें तो भाई हैंडल ना आपको जो मिटियर हो गए क्लासिक वाले देखने के लिए मिलेगा, मगर यहाँ पर आपको ब्लैक के टचेस मिलते हैं मिडिल वाले वेरिएंट में, या आपको क्रोम का देखने के लिए मिलेगा। जो स्विचेस हैं वो आपको सेम ही मिलने वाले हैं क्लासिक में भी और मिडिल वाले वेरिएंट में भी। लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पर लाइट का हो गया इंडिकेटर, हॉर्न और जो इन्फॉर्मेशन बटन है वो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट दे रखी है। और ये मिरर की बात करूँ तो भाई मिरर आपको राउंड शेप में देखने के लिए मिलेंगे, मगर ये क्रोम में नहीं आते हैं, बेस वाले वेरिएंट में ये आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई लेफ्ट प्रोफाइल से, तो लेफ्ट प्रोफाइल में देखोगे तो भाई यहाँ पर ना रॉयल एनफील्ड का जो लोगो आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये व्हाइट कलर में है, थोड़ा प्लास्टिक सा आपको देखने के फील होता है। टैंक वही आपको 13 लीटर का देखने के लिए मिल जाएगा, E20 ये भी सपोर्ट करता है। इसकी एवरेज आपको 36 से 40 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कंपनी 36 करती है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 40 तक इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर फिर से आप देखोगे इस वाले पैनल में आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, बुलेट 350 यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्लैक में जो पूरा का पूरा इसमें चेंजेस नहीं हो रखे हैं, पूरी पूरी ब्लैक ही आपको देखने के लिए ये मिलती है। अगर आप रेड वाला वेरियंट लेते हैं तो उसके अंदर जो टैंक है ना, वो आपको रेड वाला देखने के लिए मिलेगा, बाकी पूरी बाइक आपको ऑलमोस्ट ब्लैक में ही देखने के लिए मिलती है। जो किक है यहाँ पर भाई, किक आपको नहीं देखने के लिए मिलने वाली, क्योंकि इसमें से किक हटा दिए जो नए वाले वेरियंट है। फुट पैग्स यहाँ मिल जाएंगे, ब्रेक का लीवर यहाँ पर दे रखा है, कैटलिक कन्वर्टर यहाँ पर हुआ करता था किसी ज़माने में, मगर आपको कन्वर्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो साइलेंसर है पूरा आपको क्रोम में ही देखने के लिए मिलता है। पीछे मिल जाएंगे इसके ट्विन शॉक अब्जॉर्बर, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है ना पीछे भाई, इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलेंगी। और टायर प्रोफाइल चार्ज मिल जाएगा 120/80/18 का। और ये फिर से जो स्पोक वाला रिम है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो ब्लैक के टचेस है ना वो भी, प्लस C8 का ये एक ट्यूब टायर है, दोनों आगे पीछे दोनों आपको इसे देखने के लिए मिलने वाले हैं। फुट पैग्स की बात करें तो भाई फुट पैग्स आपको पीछे भी ना रॉयल एनफील्ड वाचर लिखा हुआ वैसे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन इसमें आपको सेम ही मिलने वाली है, जो मिडिल वाला वेरियंट हो, टॉप वेरियंट हो या बेस वेरियंट हो, सब में सेम ही आपको मिलने वाली है इसकी डायमेंशन। अब बात पीछे कर लेते हैं भाई, पीछे क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ, जो पीछे वाली लाइट है वो आपको राउंड शेप में देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्लेसमेंट, जो पीछे से ना यहाँ पे आपको क्रोम के टचेस देखने के लिए मिलते हैं, जो आगे जैसे इंडिकेटर थे वैसे ही आपको पीछे भी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर मिल जाएगा इसका साइडी गार्ड, चेन कवर यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर एक हैंडल है ना वो भी दे रखा है, ताकि जब इसका मिडिल स्टैंड आप लगा रहे हो या कोई पिलियन पीछे बैठा हुआ है तो उसको ग्राब करने के लिए थोड़ी सहूलियत रहे। यहाँ पर मिल जाएगा इसका साइड स्टैंड, मिडिल वाला स्टैंड, 5 स्पीड इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये G-सीरीज का इंजन इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल है तो इसके अंदर नहीं डाल रखा, नहीं। हाँ देखोगे जो J349 यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, इसमें आपको सेमी इंजन देखने के लिए मिलता है, तो उसमें 20 BHP की पावर और 27 Nm का टॉर्क जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये इसकी पावर फिगर है। मीटर की बात करूँ तो भाई मीटर जो है इसमें आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, अनलॉक मीटर, लॉक अनलॉक और यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। राइट हैंड साइड में रॉयल एनफील्ड 350
इसका देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चाहो तो ट्रिपर लगवा सकते हो, वो एक्सेसरीज का पार्ट है। जो बीच वाला डिस्प्ले है ना, छोटी देखने के लिए मिलती है, मगर इसके अंदर आपको फ्यूल कितना है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। जो पीछे का ग्रैब हैंडल है ना, वो भी आपको मिडल वाला वेरियंट हो या टॉप वाला वेरियंट हो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने के लिए मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो भाई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का जो बेस वाला वेरियंट है ना, वो उसकी एक्स शोरूम पड़ती है आपको 1,73,000 रुपीज़ का, जो 350 का सबसे लोएस्ट मॉडल है ना, उसकी प्राइस इतनी है। कंक्लूजन की बात करूँ, जो बुलेट 350 का बेस वाला वेरियंट है ना, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, बट थोड़ा बहुत जो कलर है, ABS हो गया, उसका डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। मगर अगर आपका बजट जो है इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है कि भाई 40 से 50 हज़ार आप चाहते हो कि थोड़े बच जाए, तो ये वाला मॉडल आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको इंजन सेम मिलने वाला है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो सेम ही मिलने वाली है इसके अंदर भी। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्दी मिलूंगा किसी नई गाड़ी नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।